स्वागत है किसान मोर्चिया को अभी हर तस्वीर दिखा रहे हैं गाजीबाद बॉर्डर यानी कि हर बॉर्डर ते किसान बैठे ने पर जेड़े फैसले हुंदे ने ओ सिंगू बॉर्डर दे कुंडली कह सकते हैं कुंडली च जेड़ा एक दफ्तर बनिया उत्थे फैसले हुंदे ने ये सारे आगू जेड़े ने ये फैसले लैंदे ने इन्हां तो जानदे हां कि आखिर इस अंदोलन नूं किस तरह देख रहे ने रुल्द सिंह मानसा जी किथे पहुंच गए अंदोलन नूं किस तरह देखदे हो तुसीं शिखर ते पहुंच गया गा ते इस बार्डर ते सानू मतलब जे कह दी एक तरह का रोकया गया मेरा ख्याल है भी सरकार नूं मन जाना चाहिए गा जदों ना ये कले किसाना दा जिन्ने भी वर्ग ने लड़न वाले लोग ने व्यापारी होण आड़ती होण मजदूर होण किसान होण यह दोलन है जिहड़ा सारे वर्गों का है मेरे कहा आपके मुताबक 99% लोग इस दोलन के आ गए मेरा ख्याल है भी हरियाणे पंजाब के जिहड़ियां किसानां दीआं कंपाइनां जिन्हों वह बड़े हक नाल ला के रखते हैं वह सारिया कंपाइनां लैके भी वह इत्थे पहुँच रहे ने शिव जे कोई मंग है तो सरकार इहनूं दूजे पासे लिजाणा चाहुंदी है फिरका परस्ती पासे लिजाणा चाहुंदी है पर नहीं साढ़े सारे लीडर हरियाणे दे होण जिहड़े भी स्टेटां होण समझे होए ने गे बराबर तरीके नाल इहनूं चलावांगे असीं गुरनाम सिंह चटुनी जी ने गुरनाम सिंह जी पहला पंजाब दा लगदा सीगा इह अंदोलन तुसीं आग दा समर्थन दित्ता हरियाणा ने ते उस तों बाद असीं देखिआ कि लगातार इह अंदोलन होर तेज़ होया इह संघर्ष होर तिखा होया नहीं असी समर्थन नहीं दिता यह अंदोलन ही साडा सी पूरे देश दे किसानां दा अंदोलन है कल्ले पंजाब दा अंदोलन नहीं है पूरे देश दे किसानां दा अंदोलन है ते पूरे देश दा किसान जद तक साडी गल्लां नहीं मन्नी जाणियां उदों तक यह अंदोलन जारी रहेगा ते यह अज तक जिहड़ा है वह वध रहा है ते बीजेपी जिहड़ी है सरकार जिहड़ी है वह सोच रही है भी यह अंदोलन या तो किसी तरह बदनाम हो जाए या किसी तरह फुट पै जाए या फिर उन्होंने जिहड़ी हुण नवीं रणनीति बनाई है वो ये बनाई है भी उन्होंने अपनी सारी टीम पूरे देश दे विच उन्होंने लाते भी तुसी पिंड पिंड जाओ पिंड पिंड जाके लोगों नूं तोड़ो लोगों के दिमाग च बिठाओ उल्टी गल पर उन्होंने जिहड़ा है वो समर्थन नहीं मिल रहा उत्थों भी उन्होंने जिहड़ा है वो मूँह दिखा के वापस आना पै रहा है तो यह अंदोलन जिहड़ा है वो अपने कामयाबी वल नूं वध रहा है हालत देश की हो गई देश की पूरी अर्थव्यवस्था कारपोरेट के कब्जे जा रही है ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੈਟਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 90,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਭਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ते ओ देश दा उबाल जिहड़ा अज तुहाडे सामने आ रहा है मतलब मजदूर की व्यापारी की शहरी की पेंडू की दुकान वाले जो भी है वो सारे पूरी तरह समर्थन दे विच ने पूरी तरह इस अंदोलन दे नाल खड़े ने ते इह अंदोलन तुहाडे सामने वधदा जा रहा है शिव जी ने साडे नाल मध्य प्रदेश तो शिव कुमार जी हर डिसीजन जिहड़ा हुंदा वड्डा डिसीजन ओ संयुक्त किसान मोर्चा दी मीटिंग दे विच लिया जांदा है हुन की और क्या क्या डिसीजन आप लेने जा रहे हैं आने वाले दिनों में देखिए बहुत स्पष्ट है उसको बार बार बोलने से सरकार भी वही बोल रही है कि तीन अध्यादेशों को आप निरस्त करिए MSP पर गारंटी का कानून बनाइए और अब ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन बन चुका है पूरे देश से किसान यहाँ पर आ रहे हैं इसके पीछे की मानसिकता आप जब जाते हैं हम तो WTO पर ये साइन कर चुके हैं और जो विकासशील राष्ट्र हैं वो ये कहते हैं कि भारत के किसानों को आप सब्सिडी देना बंद करिए ये MSP पर क्रय करना बंद करिए तो उसका भी इन पर दबाव है ऊपर से अडानी अंबानी की अपनी योजना है
तो ये इनको केवल जब 2014 में लैंड बिल लेकर आए थे तो उस पर भी हम कोर्ट नहीं जा सकते, 20 राज्यों में वो लागू है अभी भी और पूरे भारत में अब ये कानून लागू करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन हो चुका है, 6 महीने में हमने मध्य प्रदेश का रिसर्च किया है, 400 करोड़ रुपया मिलता था रेवेन्यू मंडी को, तो 0.5% केवल मिल पाया है और किसान की सारी फसलें 50% से नीचे सब एसपी पे बिकी है। तो इसके परिणाम मध्य प्रदेश में जो रिसर्च रिपोर्ट आई है खुद सरकार की पोर्टल पे पड़ी है कि इसके परिणाम बहुत घातक है, इसको सरकार को बड़ा मन करके वापस लेना चाहिए। थैंक यू। इसके साथ ही शिव कुमार जी मैं ये भी जानना चाहूंगी, पंजाब से कह सकते हैं कि आंदोलन के सुर सबसे पहले उठे, क्या आपको लगता है यूपी बिहार जिनको पहले नहीं पता था कि एमएसपी पर अगर फसल मिलेगी तो उनको क्या फायदे जो है होने वाले हैं, वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, दूसरे स्टेट्स भी, इसलिए समर्थन और मिलता जा रहा है और आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है। देखिए 5 जून को ये हुआ नोटिफिकेशन, हमको इसको 50 पन्ने हैं इसके कुल, उनको पढ़ने में हमको और समझने में लग गया 20 दिन, और जब पत्र लिखा हमने पहला पत्र पीएम को लिखा तो हमारे सामने एक समस्या ये थी कि ये भारत के किसान जो भोले भाले हैं इतना कठिन एक्ट को कैसे समझेंगे, उनको समझाना कि ये तुम्हारी डेथ वारंट है ये, और अब जब वो समझने लगे हैं पंजाब ने लीड किया, पंजाब को बहुत बहुत धन्यवाद, पंजाब हमारा सिरमौर है और पंजाब की हम ताकत को भी जानते हैं, हम हमारे बड़े भाई हैं, वो हम पंजाब के साथ पूरी ताकत से पूरा देश खड़ा है। सरकार इसको दिशा मोड़ने की बहुत कोशिश की कि केवल पंजाब का संगठन है, बदनाम करने की कोशिश की, खालिस्तानी इसमें घुस गए हैं, कहीं कुछ घुस गए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी 2 ही मांगे हैं और 2 मांगों पर हम तटस्थ हैं, जब तक सरकार हमारी 2 मांग नहीं मानेगी आंदोलन चाहे जितना चले जारी रहेगा। सुशी कह रहे थे उन सिंगू बॉर्डर नहीं सिंह बॉर्डर बन गए। मेरा नाम कुलवंत सिंह संधू है जी, ये नाम लोगों ने आपे रख रहे सिंगू की होंदा, ये सिंह शेर होंदा, ये सिंह बॉर्डर बन गया। दूजी गल एजीटेशन भावें पंजाब तो पहलकदमी हुई है इन्होंने कानूनों के खिलाफ, पर हिंदुस्तान के लोगों को कट्ठे करने के मंदसौर के 6 किसानों की शहीदी है जिड़ी 2018 के अपने भाव वाले लड़द्या गोली चला के उतों की मध्य प्रदेश सरकार ने शहीद किए थे, उस शहादत ने मुढ़ बनिया हिंदुस्तान के जथेबंदी एक परेड हाल कट्ठे कर और कट्ठिया जथेबंदियों का होने का चिट्टा आ, एड्डी वीड्डी गिणती लोग आए हैं, जे असी कले कले साधे हजारां चोणे सी अज लखां च क्यों आए हैं, लोगों नूं विश्वास हो गया भी जे किसान जथेबंदियां कट्ठियां कुछ प्राप्त कर सकांगे, हुण जिहड़े साडे इत्थे लोग आए आ इहदे विच अद्धों ज़्यादा साडे घेरे तों बाहर दे लोग आ, हुण तां इह कल्चर बन गया कि लोग इह सोचदे आ वी जे मैं उस मोर्चे ना गया ते मेरा जीवन सफला नहीं होणा। कि सद्दा जिहड़ा दित्ता गया मातावां भैणां नूं वी कहा गया सारे प्रबंध तुहाडे लई असीं करांगे। भाजी मैनूं सब तों ज्यादा वधिया इस अंदोलन की गल लगी क्योंकि मैं इन्ने दिनों तों कवर कर रही हां कि हुण किसान ते खेती दी गल हो रही है, तुहानूं लगदा है कि इह गल होणी बंद हो गई सी, हर कोई किसान नूं सिर्फ इक वोटर दे तरह देखदा सी, पर हुण सरकारां वी जाणगियां कि किसान इन्ना मजबूत है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकदा, उहनां नूं किसे नेता दी जरूरत नहीं। देखो जिहड़ा किसानी दा किता है किसानी वास्ते पहलां बहुत इगनोर किया गया सी, पर जदों इत्थों दी हुकूमत नूं सरकार नूं अनाज की लोड़ पई तो किसान उन्होंने याद आया, उन्होंने किसान ने टकनीक देने की कोशिश की जिन्होंने हरा इनकलाब कह दी, असी हरे इनकलाब की शुरुआत हुई पर उसका जिहड़ा सानूं गेन मिलना चाहिए असी किसानां नूं वह नहीं दिता गया, असी अनाज वध पैदा कर दिता, अनाज वध पैदा करने दे नाल देश आत्म निर्भर हो गया पर किसानी नूं भुल गए, अन्नदाते नूं भुल गए, उस तों बाद फिर दोबारा हुण इह दौर आया कि जदों किसानां ने अपने संगठन नूं मजबूत किया और किसान दे नाल अंदोलन शुरू किया तो हर पोलीटिकल पार्टी ब्यूरोक्रेसी हर बंदे की जबान ते किसान आ गया ते जवान आ गया, जय जवान जय किसान किया जा रहा है क्योंकि किसान नूं भी चाइना ने दस दिता कि किसानां दे नाल नाल जवानां बिना भी नहीं सरदा, तो इस करके अज सारियां पोलीटिकल पार्टियां जिहड़ियां हैगियां वह किसानी किसानी की गल कर रही ने, तो जिहड़े किसान है खेती है एग्रीकल्चर है किसान खेती जिहड़ा जिहड़ी इकनोमिक्स है इकनोमी है आर्थिकता जिहड़ी हैगी उह देश दी आर्थिकता दा तुरा है और इस नाल जिन्ने भी लोग जुड़े हुए ने भावें उह इहदे नाल कोई सहायक धंदे कर रहे ने जां भावें इहदे नाल कोई जिहड़ा इहदे विच वरतों वालियां चीज़ां पैदा कर रहे ने भावें इहदे चों कंज्यूम कर रहे ने भावें उहनूं प्रोसैस कर रहे ने भावें उहनूं मार्केटिंग सिस्टम च आ रहा है जो सारा सिस्टम इहदे नाल जुड़िया है, अज सारे लोग कल्ले सिर्फ बीजेपी दे आगूआं तों
बगैर सारे लोग 99% लोग अज साडे नाल खड़े ने। अच्छा लखोवाल जी ना जानते हैं क्योंकि लखोवाल जी हर एक मीटिंग दे विच गए ने सरकार ना जदों भी कोई मीटिंग हुई तुसीं हर मीटिंग दे विच शामिल भी होए। सोध सरकार कह रही है करन नूं तैयार आ, प्रस्ताव भेजा गया तुसीं रिजेक्ट करता, सरकार कह रही है हले भी असीं इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सानू रिप्लाई किसानां वल्लों आवे, हुण किसान भी पहल करन। किथे देखदे हो तुसीं हुण इस संघर्ष नूं पूरी तरह नाल ही, जिहड़े टेबल टॉक तुहाडे ते सरकार दे विच चल रहे ने, लगदा है जल्द हल निकल पाऊगा या फिर इह टेबल टॉक ते ही गल रह जाएगी? पहला तो सरकार ही नहीं मानती भी साढ़े कानून माड़े आ, चलो हम असं घट्टो घट्ट तो मना ले भी कानून माड़े आ, हम गल इतने आ गई भी इसे सारा को कड लो कानून यही रख लो, पर सानू मंजूर नहीं। असी तो वापस किराए बिना नहीं जाना, इन्ने लोग साडे नाल जुड़े आ वापस किराए तक के जाना। एक जिहड़ी बड़ी वड्डी अंदोलन दे विच गल होई आ, साडी पीढ़ी सांभी गई, साडा नौजवान वर्ग सांभिया गया। अज ओह कलाकारां मगर गाने गंदिया मगर फिरदा सी, अज लिखा देखो तुसी सारे दे आई एम ए फार्मर, मैं किसान हाँ, मैं किसान का पुत हाँ। उन्होंने आपकी होंद साड़ी जागी, साडा सारा जिहड़ा सीगा, जे देखो कंबाइना अज 200 कंबाइन आ गई आ। असी कल नूं कहांगे जिन्ने ट्रक खड़े ने, ट्रक पंजाब दे विच वेले खड़े ने, ट्रैक्टर तो आ गए, ट्रक भी असी 2-4 दिन दे विच लिया के इत्थे खड़े कर देवांगे, सारियां सड़कां असी इत्थे बंद कर देवांगे, साडे बच्चे आउण नूं तैयार ने, आ भी रहे ने। देखो अज किन्ना रश होया होया, बच्चे तरलो मशीने अगले दिन चाहन वाले साडियां लेडीज बच्चे मजदूर हर वर्ग का बंदा आजूगा। असी अपील भी करते हैं भी कोई घरे ना बैठो, यह जहा अंदोलन ना होया कदे ना होना, एडा वड्डा अंदोलन जन अंदोलन आ, लोग सारे देख रहे, सारा सारा इंडिया की सारे बाहरले देश सानू देख रहे ने, हरेक घर चो एक एक बंदा आना जरूरी आ। ते जिहड़े बंदियां को ट्रालियां ट्रालियां लै आउण, जिहदे को ट्रक आ ट्रक लै आउण, जिहदे को कंबाइना कंबाइना लै आउण, जिहड़े बंदे नहीं आ सकदे जिन्हां कुछ नहीं, असीं बसां दा इंतजाम कीता होया, बसां आ रहियां ने, पेट्रोल पंप वाले फ्री तेल पा रहे ने, इत्थे पहुंच जाण। असीं आउण वाले दिनां च सारे बॉर्डर बंद कर देवांगे ते सरकार नूं असीं गल्लबात लई मजबूर कर देवांगे। हुण जिहड़ा उन्हां ने प्रस्ताव भेजिया है, प्रपोजल भेजिया है, उस तों तुसीं किस तरह देखदे हो? तुहानूं लगदा है कि कई मंगां तां तुहाडियां सरकार पूरियां करन नूं तैयार होगी? असीं कहिंदे आ वी सारियां मंगां पूरियां कर देवे, जां किसान बैठा आंदा तां सड़कां ते बैठा, उहदे च क्यों आ वी सारा कुछ कढ के उहनूं ना क्यों रखणा? असीं तां कहिंदे उहनां नूं रिपील करे, जे पंजाब च साडे नाल उदों महीना डेढ महीना पहलां गल कर लैंदे शायद असीं सोधां साधां ते मन जांदे, पर जो अज दी पोजीशन आ अज जो लोग जुड़े ने उह सिर्फ असीं इही कहि के लै के आए आ वी सोधां नहीं करवाउणियां, वापस कराउणे आ असीं पक्के तौर ते कानून इह वापस कराउणा आ, इह गल लै के असीं बैठे होए आ। खामियां एक बार मैनूं जरूर दसो, हाले भी तुहानूं कानून दे विच जे जिहड़े उन्हां ने प्रस्ताव भेजे ने उस तों बाद भी तुहानूं की खामियां हाले भी नजर आ रहियां ने? पहली गल तां मैं खामियां तों भी पिछे जावां, सरकार असल च खेती नूं व्यापार समझदी है, खेती सार आ गया पूरी मानवता दी और मानवता तों इलावा होर प्रजातियां दी भी। पहली गल तां इहनूं असीं जिथों जे उहनूं व्यापार दे रूप च लैंदी है उसे नूं रद्द करदे आ। दूजी गल, जदों MSP चलदी सी, सरकारी मंडियां चलदियां सी, उस समय जिहड़ा अनाज सी उह देश दी और जनता दा ढिड भरन लई मतलब स्टोर कीता जांदा सी, पर उहनूं हुण देश अपने हत्थां चों कढ के प्राइवेट हवाले करन जा रिहा है, जिहदे नाल इह है कि देश दे अंदर जिथे काला बाजारी होनी है, देश दे अंदर अन्न भंडारण दा संकट आउणा है, उत्थे जिहड़े किसान देश दी जनता किसानी नाल नहीं भी जुड़ी उहनां ते भी भार पैणा है, क्योंकि हुण बहुत सारे मतलब साढ़े यह जे वर्ग वीर ने जिन्हों 2 रुपये किलो कणक मिलती है, 2 रुपये किलो चावल मिलता है, अनाज मिलता है, दाला मिलदिया ने, और आने वाले दिन सारिया खत्म हो जाने ने। यह सारिया मैं शॉर्ट च ये दसना चाहना कि यह कानून खामियां नहीं, यह कानून पूरी तरह गलत ने। क्या जा रहा है, क्योंकि सवाल चुके जा रहे ने, पोस्टर भी तुसी देखे होने सोशल मीडिया से वायरल हो रहे ने, यह क्या जा रहा है कि इलीगल एक्टिविटीज जिहड़ियां शुरू हो गईयां ने? बलवीर सिंह राजेवाल जी कह रहे ने जदों अन्ना इकट्ठ हुंदा है उहदे विच 1-2% लोग गलत भी हो सकते ने, किस तरह देखदे हो इस नूं? असीं देखो जी कोई इलीगल एक्टिविटी होई नहीं साडे हिसाब नाल, 15 दिनां दा इह अज 18वें दिन च मोर्चा जावड़िया, खुद जिहड़ा खेती मंत्री ने साडी मीटिंग च मन्निया भी जिन्ना इह अंदोलन अनुशासित है, जाबता वध है, स्वै जाबता वध है, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। ते जे खेती मंत्री धन्नवाद करी जांदा फिर इलीगल किहड़ी हो गई? जित्थों तक दूजी बयानबाजी हैगी है, किसी जे 4 बंदिआं ने लखां दा इकट्ठ है, 10 बंदिआं ने कोई बयान दे भी दिता, उहनूं तुसीं मोर्चे दा बयान ना कहो, मोर्चे का बयान है जो इतने मीटिंग च होंगे। अगली आखिरी गल मैं यही कहूंगा बई यह जिहड़ा कानून है ना, कोई भी वर्ग का जो सरकार कानून लिया है पहला वह वर्ग मंग करता, किसान वर्ग ने मंग ही नहीं की इन्होंने कानूनों की, ना यह कानून लिया वेले किसान वर्ग तो पूछा गया भी पास करके कि ना करके। अगली गल हैगी भी हुण सुप्रीम कोर्ट दियां वकीलां ने, हाई कोर्ट के वकीलों ने, हाई कोर्ट के सबका जजा ने, सुप्रीम कोर्ट के जजा ने, सारी दुनिया ने कहता
ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੀਡ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਘਾਉਂਦਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੁਲਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦ ਪੂਰਾ ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭੁਗਤ ਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦਈਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਨੀਤ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਟੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜੇ ਇਹ WTO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅੜ ਸਕੀ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਜਾਣਗੀਆਂ GST ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂਹੀਓ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਆ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਫੋਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਣ ਪਿਆ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਭਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਤੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਣਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਘਾਟ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਪਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਉੱਠਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ BJP ਸੈੱਲ ਜੋ IT ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜੇ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਗੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸਕੋ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਅਬ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੇ
फैसला नहीं होगा जब तक जे कानून रद्द नहीं होंगे जब तक कोई फैसला माना नहीं जाएगा। डिंगू बॉर्डर ते पंजाब दिया 32 किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने ओह फैसला लैंदियां ते उन्हां दा कहना है हले असी इकजुट हां जदों तक सरकार ये कानून रद्द नहीं करदी उदों तक साडा धरना इसे तरह जारी रहेगा। कैमरामैन अश्विनी मिनहास दे नाल नितिका महेश, बीजी मीडिया, सिंगू बॉर्डर।